हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के सीरियल स्वर्ण घर के बारे में, जो कि ड्रीमयाटा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से है। तो गाइज, काफ़ी हफ्तों से पहले से मैंने आपको बताया हुआ है कि कलर्स टीवी का ये सीरियल बंद होने जा रहा है, ऑफ़र जा रहा है। तो अभी ऑफ़र तो बहुत जल्द होने ही वाला है, बस कुछ ही दिनों के लिए आप इसको टीवी पर इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि ये सीरियल कब बंद होगा, कौन सा दिन होगा जब आपको इसका लास्ट एपिसोड टेलीविज़न पर यानी कि कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाला है। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण घर का लास्ट एपिसोड आपको 25 नवंबर को देखने को मिलेगा, यानी कि 25 नवंबर को ये सीरियल ऑफ एयर चला जाएगा, बंद हो जाएगा। उस दिन फ्राइडे होगा और फ्राइडे के दिन 25 नवंबर को इसका लास्ट एपिसोड कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट किया जाएगा। कलर्स का नया शो जो कि एकता कपूर की तरफ से आ रहा है, यानी कि धर्म पत्नी, वो इस सीरियल को रिप्लेस करेगा, 8 बजे के टाइम स्लॉट लेगा। और ये सीरियल को बंद तो कराई जा रहा है, लेकिन इसी प्रोड्यूसर्स की तरफ से यानी कि रवि दुबे और सरगुन मेहता की तरफ से एक और नया सीरियल भी कलर्स पे आने वाला है। पहले वो इसको स्वर्ण घर को रिप्लेस करने वाला था, लेकिन वो अभी के लिए प्रॉपरली उतना रेडी नहीं हुआ है कि इसको लॉन्च किया जा सके, उसको अभी थोड़ी टाइम लगेगी। तो इसी के कारण 8 बजे पे धर्मपत्नी वाला सीरियल लाया जा रहा है। और फिर जो नया शो वो तो आने ही वाला है रवि दुबे का, वो भी आपको देखने को मिलने वाला है कलर्स पे जल्द ही। बाकी गाइज, अगर कुछ और वीडियोस आपने देखने हैं, जैसे कि धर्मपत्नी की करेक्टर डिटेल्स वगैरह, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कलर्स के कौन से 4 शोज़ हैं जो कि आने वाले हफ्तों में या फिर महीनों में बंद होने वाले हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेफिनेटली उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए मिस करेंगे शो को या फिर नहीं। स्वर्ण घर तो चलो, इसकी तो अब और कोई न्यूज़ आएगी नहीं। वैसे कलर्स टीवी की बाकी सारी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें, सारी लेटेस्ट जानकारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।